तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा दिए गए बयान का पलटवार किया है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने महंगाई के खिलाफ दिल्ली में किए जा रहे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा था कि उन्हें सांसद और विधानसभा में इसको लेकर बहस करना चाहिए, न कि प्रदर्शन। इस बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चर्चा से भारतीय जनता पार्टी सदन से भागती हुई नजर आती है। जिस प्रकार पूरे देश में महंगाई की मार है और लोकसभा में केवल 5 घंटे के लिए चर्चा का समय रखा गया था, लोकसभा सांसदों का जिक्र करते हुए कहा कि 550 सांसद है और 5 घंटे का समय इस विषय पर चर्चा के लिए बेहद कम है। महंगाई बेरोजगारी के लिए उनको बहस करना चाहिए पार्लियामेंट में, विधानसभा में बहस करना चाहिए। इसके लिए दोषी कौन है इसकी बात होना चाहिए। कांग्रेस शासन काल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष में है तो क्या करेंगे राजनीति में, अब इतना तो करना वाजिब है। चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भागती, पूरे देश के महंगाई का मुद्दा था और लोकसभा में 5 घंटे के समय चर्चा का रखा गया था। तो सांसद 550 लोकसभा और 5 घंटा चर्चा, कितने लोग भाग लिए होंगे। जब देश भी आपकी समस्या है तो दिन भर का चर्चा चलना चाहिए, 2 दिन का चर्चा चलना चाहिए, सब बातें सामने आए, कुछ रास्ता भी निकले। केवल आरोप लगाना होता नहीं, भाव भी देते हैं सांसद, लेकिन